डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने पुरानी पेंशन बहाली पदों का पुनर्गठन ट्रामा सेंटर पर फार्मासिस्टों के पदों का सृजन और प्रदेश के समस्त स्वास्थ्य उपकेंद्र पर फार्मेसी स्टोर के पदों का सृजन और नियुक्ति सहित विभिन्न मांगों के विरोध में गुरुवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय और जिला महिला चिकित्सालय में 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डीपी त्रिपाठी ने बताया कि जिला महिला चिकित्सालय में सुबह 8 बजे से 10 बजे तक कार्य बहिष्कार रहा। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो 10 दिसंबर से फार्मासिस्ट प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉक्टर गिरिजापति त्रिपाठी ने कहा, सर हमारी मांग है वेतन विसंगति और पदों का पुनर्गठन, ट्रामा सेंटर पर फार्मासिस्टों के पदों का सृजन को लेकर के उपकेंद्रों पर भी फार्मासिस्टों के पदों का सृजन इत्यादि। शासन से कई बार मांगे की जा चुकी हैं लेकिन शासन ने जो है हम लोगों की मांगों को अभी तक नहीं मांगा, संज्ञान में नहीं लिया। उसी क्रम में आज हम लोगों का 6-7 दिसंबर को 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। अगर इसके बाद भी सरकार अगर नहीं चेती और हम लोगों की मांगों को पूरा नहीं की तो हम लोग 8 दिसंबर को द्वितीय शनिवार का उपभोग करेंगे और इसके बाद भी अगर सरकार हम लोगों की मांगों को नज़रअंदाज की तो हम लोग 10 दिसंबर को अनिश्चितकालीन हड़ताल पे प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर 10 तारीख को अनिश्चित हड़ताल पे जाने के लिए विवश हो जाएंगे और जिसे हम पुरजोर कोशिश करके अनिश्चित हड़ताल को सफल बनाने का कार्य करेंगे। कितने लोग हैं? हम लोग इस समय जिला महिला चिकित्सालय में 4 चीफ हैं, 2 फार्मासिस्ट हैं, जो कि आज 2 घंटे का कार्य बहिष्कार हम लोगों ने किया। अन्य जिलों की बात करें तो कितने? अन्य जिलों में भी पूरे हमारे गोरखपुर में लगभग 180 फार्मासिस्ट हैं जो कि CSC, PSC, जिला महिला चिकित्सालय, BRD मेडिकल कॉलेज में है। सभी फार्मासिस्टों ने पूर्ण सहयोग करते हुए 2 घंटे का कार्य बहिष्कार आज किया है।